हेलो दोस्तों, ये है वीलॉग 15। पिछले कुछ पोस्ट से अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं कुछ चीज़ टीज कर रहा था कि कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अलग है, कुछ बड़ी न्यूज़ है। तो वो क्या न्यूज़ है तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो के टाइटल से आपने पढ़ ही लिया होगा। हम लोग ऑफिस चेंज कर रहे हैं, बड़े ऑफिस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस ये जो है ये मैं डिवाइड करने वाला हूँ इस वीलॉग को। फर्स्ट वाला वीलॉग होगा जहाँ पे हम लोग ऑफिस स्पेसेस देख रहे हैं। सेकंड वाला वीलॉग होगा जहाँ पे हम लोग मैं आपको लास्ट दिन बताऊँगा हम लोग के ऑफिस का लास्ट दिन कैसे रहा। और जो थर्ड वीलॉग होगा वो एक एक्चुअल ऑफिस रिवील होगा। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के वीलॉग की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑफिसेस कैसे ढूंढ रहे हैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कैसे हम लोग ने कहाँ कहाँ पे ऑफिसेस वगैरह देखे वो आप देख पाओगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की। सो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस स्पेसेस देखने। हम लोग का जो एग्जिस्टिंग स्पेस है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है। मेरे साथ जुड़े हैं विपिन रॉकी उगुलिया, AKA काला अंडा। कुछ भी कुछ भी क्या कुछ भी, काला अंडा जाके देखो दोस्तों। और अभी खाने भी आ रहे हैं। हाँ, विपिन काला अंडा खाएगा। सो हम लोग देखने जा रहे हैं नए ऑफिस स्पेसेस। करंट जगह कम पड़ रही है, आज 3 जगह देखेंगे हम लोग, और अगर उनमें से कोई पसंद आई तो फिर उनको उनमें से एक को फाइनलाइज करेंगे। 3 जगह है। लोकेशन वगैरह तो अभी मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता फिलहाल, बट ओवरऑल काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं आपको इंटीरियर्स वगैरह दिखा दूंगा और मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन होगा मेरा और विपिन का, क्योंकि हम लोग दोनों ही, मैंने भी कभी फ़ोटोज़ नहीं देखे इन जगहों के, तो दोनों का जो रिएक्शन होगा पूरा पूरा ऑनेस्ट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो ये पहला ऑफिस है दोस्तों जो हम देख रहे हैं। ये टोटल यूजेबल जो है, एट प्रेजेंट आप जगह देख रहे हो, ये 550 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है और प्लस 300 स्क्वायर फीट अपने को सेकंड पोर्शन में सेकंड हाफ में मिल जाता है। सॉरी इंटरप्ट करने का दोस्तों, ये भूषण मयेकर, ये एक्चुअली मेरा स्कूल का फ्रेंड है और अभी ये रियल एस्टेट में है। तो इसकी वेबसाइट वगैरह की लिंक भी मैं कुछ रहेगा, लेबर कॉन्टैक्ट वगैरह, आपको अगर जगह वगैरह देखना होगा मुंबई में इसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत से भी बजे कि आपको कैसे यूटिलाइज करना है। एग्जिस्टिंग यहाँ पे ऑलरेडी बॉक्स केबिन था, सेकेंड वाला आप यहाँ पे बना सकते हो। ओके, और यहाँ पे अपना आप बॉक्स केबिन बना सकते हो। ये पूरे तकरीबन 350 फुट ये जगह मिलता है अपने को, राइट। तो इसमें आपका बॉक्स केबिन जितना मिल सकते हो आराम से मिल जाएगा। और आपको कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह करना है तो सेकेंड हाफ पूरा उससे डेडिकेट कर सकते हो। वॉशरूम्स वगैरह दो है, इसमें ऊपर भी वॉशरूम मिलता है और यहाँ बीच में भी वॉशरूम मिलता है। ये पूरा ये निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, ये तो रहा ये एरिया ऑफिस का एरिया, ये है ऊपर वाला एरिया। ये सर हमने वॉशरूम सर, अब तो वॉशरूम में होते हैं इन केस इफ यू नीड ज्यादा खालसा गाइस। हां, दिस इज लॉक। ओके लॉक, ओके लॉक फ्रॉम इनसाइड ऑन द थ्री डोर्स। अच्छा अच्छा, कुल कुल। ये सेकंड जगह, ये पूरा बेयर बोन्स है, इस पर थोड़ा बहुत वगैरह करना पड़ेगा। बैल्कनी एरिया वगैरह है यहाँ पे एंड भूषण, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द बैल्कनी एंड द वर्किंग स्पेस ना, दिस इज कमिंग अराउंड 580 कार्पेट स्पेस। वॉशरूम से बैल्कनी सब पकड़ के वॉशरूम से है आप, बट मोटा मोटा इसके ऊपर काफ़ी सारा वर्क करना, मतलब काफ़ी काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा इसको प्रॉपर ऑफिस बनाने के लिए। इस स्पेस का एक एडवांटेज ये है कि स्टेशन के एकदम नज़दीक है, कहाँ पे एग्जैक्ट वो नहीं बताएंगे बट काफ़ी नज़दीक है, तो फिर स्टाफ के लिए कन्वीनियंट पड़ेगा ट्रैवल। नॉट इवन 1 मिनट फ्रॉम स्टेशन, नॉट इवन 1 मिनट फ्रॉम स्टेशन, एग्जैक्टली। अच्छा, तो ट्रैवलिंग की तरफ से काफ़ी कन्वीनियंट है। इसमें कार गाड़ी का पार्किंग सबको जितना जितना मिलेगा, टू व्हीलर पार्किंग मिल जाएगा अच्छे से। और स्टेशन से नज़दीक इसलिए उसका रेट हो ही सकता है। स्टार्ट है। सो ये है तीसरा जगह जिसमें रेडी सेटअप है पूरा, ऑफिस केबिन वगैरह जो भी है, दो केबिन है, दो प्राइवेट केबिन है, यहाँ पे पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है। और मुझे क्या क्या और स्पेशलिटी है जगह का? और इसका ऐसा है कि ये पूरा कमर्शियल बिल्डिंग है। चलो आवाज़ की तरफ रिकॉर्ड, ये पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और ये रेडी सेटअप वाला ऑफिस है अपना। देख सकते हो जैसे कि एक 15-20 वर्क स्टेशन है, इसमें दो बॉस केबिन्स है, बाहर रिसेप्शन एरिया मिलता है। तो अभी जो मैं आपको दिखाया है इसमें, ये सिर्फ अनफर्निश्ड के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा था,
अगर फर्नीचर का अगर परचेस करना आपको तो अलग से उसका बात करना पड़ेगा अपने को। 24 hours वाटर सप्लाई है, सेल्फ कंटेंट है, वॉशरूम्स है अंदर, पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-wheeler 4-wheeler पार्किंग मिल जाएगी आपको इसमें। AC भी है हाँ। उसके नीचे वाला सीट मेरा। क्या? उसके नीचे वाला सीट मेरा। एसी के नीचे वाला भाई जम जाओगे आप। बर्फ बन जाओगे। अरे तो अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल करूंगा ना फिर। हाँ हाँ सही है। मोड तो मेरे हाथ में रहेगा। बट अच्छा है, ओवरऑल जगह काफी अच्छा है। अपना जो अपने जो वर्क स्टेशन है ना, अपने को एटलीस्ट 25 वर्क स्टेशन बनाने, 20 वर्क स्टेशन इसमें मिनिमम 20। सो दोस्तों जैसे आपने देखा अभी ये एक फाइनल एक और ऑफिस देख रहे हैं। सबसे बेस्ट चीज इस ऑफिस की मेरे को ये व्यू लग रहा है यार, क्या अमेजिंग व्यू है। ये जो आप देख रहे हो ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ पे मेट्रो लाइन बनने वाली है। व्यू अमेजिंग है, ऑफिस भी अमेजिंग है। विपिन आपके क्या ख्याल है? एक मिनट ये अंगूठा ना दिखाओ यार, अपन अंगूठा छाप छोड़ी हो। जन्नत है, बस इतना बोलूंगा। जन्नत है हाँ। दोस्तों ये ऑफिस है जो है जन्नत है। ये हम लोग कॉन्फ्रेंस एरिया में रुके हैं और बाहर प्रॉपर एक बॉस केबिन वगैरह है, सीटिंग एरिया भी काफ़ी बहुत बड़ा है। सो या ऑल इन ऑल काफी बढ़िया जगह है यार, एक और बार लुक ले लेते हैं। मैं कोशिश करता हूं, मैं हरीश भाई को मैं जॉब दूंगा ठीक है। चलेगा सर? ठीक है, ओके राजेंद्र, थैंक यू सो मच। ओके निखिल, हां इसमें वॉशरूम। सो दोस्तों अगर आपको कुछ गेस वगैरह करना होगा कि इन जो ऑफिसर्स है जो आपने देखे उनमें से कौन सा फाइनलाइज किया है, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन सा ऑफिस हम लोग ने फाइनलाइज किया है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा नंबर जो भी है वो आपको लगता है वो से कमेंट कर दीजिए। कौन सा लगता है आपको कि ऑफिस फाइनलाइज हो गया, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। ये क्या तू छोटा मोटा गेम लेके बैठा है रे, थोड़ा बड़ा सोच ना। बड़ा सोच। माइनक्राफ्ट तो 6 दिन में बना था, तुझे 6 महीने क्यों चाहिए?